छठा अक्षर च, ठीक है, च से चम्मच, च से चाबी, ठीक है। वर्कशीट में अब ये देखिए, फ्लैश कार्ड देखिए, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। क से कछुआ, क से कमल, कमल कैसे कलर का होता है, पिंक और वाइट कलर का होता है, कीचड़ में होता है। क से कबूतर, क से कलम, कलम जिसको हम पेन भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा अक्षर, दूसरा हमारा अक्षर कौन सा था, ख, ख से खटमल, ख से खीरा, खीरा जैसे मैंने बताया ना, जैसे ककड़ी होती है उसी तरीके का होता है। ख से खरबूजा, ख से खरगोश। उसके बाद ग, ग से गमला, ग से गाय, ग से गणेश, ग से गाजर, जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये सब पिक्चर्स आपने देखी होंगी ना अपने घर में या घर के आसपास। घ, घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ा, घ से घड़ी, घड़ी आप सबके घर में होती है ना। और पांचवा अक्षर हमारा कौन सा था, अंग, अंग से खाली, ठीक है। ये एक तरीके की मात्रा होती है जो अक्षर के ऊपर लगाई जाती है। अब हमारा छठा अक्षर कौन सा है, च, जो हम आज वर्कशीट में करने वाले हैं। च से चम्मच, च से चूहा, च से चांद, च से चारपाई। ये सब पिक्चर्स आपने अपने घर में देखे होंगे ना, स्पून जिससे हम खाते हैं, चूहा भी देखा होगा और मून भी देखा है ना। तो हम अब आज हम वर्कशीट में लिखना सीखेंगे, कैसे हम वर्कशीट में करेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। च से चम्मच, च से चाबी। अब वर्कशीट में हमें डेट लिखनी है, क्लास वर्क लिखना है, वर्कशीट में हमें इस तरीके की लाइंस दी हुई है, इन लाइंस में हमें कैसे लिखना है देखिए मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। स्लीपिंग लाइन डाउन कर स्टैंडिंग लाइन, ये लाइन से बेटा बाहर नहीं निकालना है, ये हमको लाइन दी हुई है ना बड़ी वाली, हमें इसमें लिखना है, ठीक है। और ऊपर स्लीपिंग लाइन हमारा बन गया च से चम्मच। स्लीपिंग लाइन डाउन कर स्टैंडिंग लाइन, फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन च से चाबी। स्लीपिंग लाइन डाउन कर स्टैंडिंग लाइन, ऊपर फिर से स्लीपिंग लाइन च, च से डाउन कर स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन च से चांद। वेरी गुड, इसमें आपको ऐसे लिखना है वर्कशीट में, ठीक है। फिर से देखिए, स्लीपिंग लाइन डाउन कर स्टैंडिंग लाइन च से चम्मच। स्लीपिंग लाइन डाउन लाइन को टच करेगी, दोनों लाइन के बीच में लिखना है, लाइन से लाइन को टच करना है।
नंबर 52, ठीक है। ये वर्कशीट है, इसमें हमें पेज नंबर 52 करना है। ऊपर हमको डेट डालनी है और यहाँ पे हमको क्लास वर्क लिखना है, ठीक है। लाल रंग भरें, ठीक है बच्चों, आपके पेरेंट्स हेल्प करेंगे पढ़ने में, ठीक है। लाल रंग भरें, ये किसकी पिक्चर्स दी हुई है हमें, से चम्मच, इसमें हमें कौन सा कलर करना है, लाल रंग भरें, ठीक है। इसमें हमको रेड कलर करना है। और ये हमको कैसे कैसे ट्रेस करना है, देखिए मैं आपको सिखाती हूँ। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया च च से चम्मच, च से चम्मच। दिए गए अक्षर को तीर अनुसार स्लेटी बिंदुओं के ऊपर पेंसिल से मिलाएं। ये हमको डॉट दिए हुए हैं, इस पर हमें कैसे ट्रेस करना है, देखिए स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ये हमारा बन गया च। ऐसे ही हमको यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, इनको ट्रेस करना है। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ये ज्वाइंट होना चाहिए, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये हमारा बन गया च से चम्मच। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चाबी। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च च से चांद। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चारपाई, ठीक है। ऐसे बच्चों सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है, लाइन से बाहर नहीं निकालना है। कैसे लिखना है मैं आपको बता रही हूँ। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चटाई। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चाबी, ठीक है। अब देखिए इनको हमें कैसे लिखना है, ये हमें दिए हुए हैं बॉक्सेस, इसमें हमको कैसे लिखना है, देखिए। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, ये लाइन से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। अच्छा अच्छा लिखना है, च से चम्मच। स्टैंड स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चाबी। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चांद। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, से चांद। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चारपाई। स्टैंड स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, लाइन से लाइन तक रखना है, इसको बाहर नहीं निकालना है बच्चों। ऊपर फिर से स्लीपिंग लाइन, च से चम्मच। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चम्मच, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमने ऊपर ट्रेस किया था, देखिए। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चम्मच, ठीक है। ये मैंने किया है बच्चों, इतना आप करेंगे, ये हमको क्लास वर्क में ये पेज हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना मैंने कि ऐसे ही आपको इन बॉक्स में सुंदर सुंदर लिखना है। नोटबुक में कैसे लिखना है बच्चों, यहाँ पे हमको डेट डालनी है,
यहाँ पे हमको होमवर्क लिखना है, ठीक है। नोटबुक में हम कैसे लिखेंगे देखिए, मैं आपको सिखा रही हूँ। ये हमको लाइंस दी हुई है, ये हमको इस लाइंस में लिखना है। कैसे लिखना है देखिए, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर्व, स्टैंडिंग लाइन। लाइन से बाहर नहीं निकालना है बेटा, अच्छा अच्छा लिखना है आराम से, ठीक है। ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चम्मच, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चाबी, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, इसको ज्वाइंट रखना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चाबी, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चांद, ठीक है। वन लाइन स्किप करेंगे, ऐसे हमको फिर से अच्छा अच्छा लिखना है। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चम्मच, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चाबी, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चांद, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चारपाई। वन लाइन स्किप करेंगे, फिर से सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा लिखना है हमको। स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चम्मच, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चाबी, स्लीपिंग लाइन, डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन, च से चांद। ऐसे अच्छा अच्छा लिखना है, ठीक है। कैसे लिखा मैंने, स्लीपिंग लाइन, बहुत बड़ी नहीं बनानी है, यहीं से ज्वाइन करते हुए डाउन कर, स्टैंडिंग लाइन, इसको ज्वाइन रखना है, और ऊपर फिर से स्लीपिंग लाइन, च से चारपाई। कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं, च से चम्मच, च से चाबी, च से चांद, च से चूहा, और च से चारपाई भी होती है, ठीक है। ये मैंने ऐसे किया, ऐसे आपको होमवर्क में सुंदर सुंदर पूरा पेज कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हमारा आज का क्लास वर्क और होमवर्क है, हमारा क्लास वर्क है पेज नंबर 52 इन वर्कशीट च, और होमवर्क है हमारा च इन नोटबुक, ठीक है। हैव अ गुड डे।